हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई ये वीडियो हमारे को कट करके जरा दूसरे वाले में इसलिए डालनी पड़ रही है क्योंकि एक वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मज़ा आता रहे इस वजह से हमने इसे कराया दूसरे उसमें पार्ट में। तो भाई अब आप देखो, हम आ चुके हैं जंगल में, जहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी स्विफ्ट से, सेंट्रो से, और आज हम आए हैं अपनी R15 से। R15 से अपन यहाँ पे आ चुके हैं और भाई देख लो चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई, और जंगल में कर देंगे मंगल। ज्यादातर ऐसे आएंगे पानी वाले के चक्कर में, है ना। तो भाई हमारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि देखो यहाँ पे ना मेरे को एक चीज नजर आ रही है, और आपसे बाजी ज्यादा इधर मत लो, ये खुद उधर लेगा भोसड़ी का। भाई देखो पत्तों पे कितनी मिट्टी है, इसका मतलब यहाँ बारिश नहीं हुई है। हाँ यहाँ पे मैंने खींची थी गुलशन की गाड़ी की फोटो, मैंने यही खींच रखी है यार। पानी नहीं बह रहा मगर आज, अच्छा हाँ। तो भाई यहाँ पे देख लो एकदम अल्टीमेट वाला सीन चल रहा है और गजब मजा आ रहा है, एकदम गजब मजा। देख रहे हो भाई पिछली बार मैं इधर गया था, हाँ मैं उधर इधर नहीं गया। अच्छा लो भाई पिछली बार हम उधर गए थे, हम इधर आए नहीं थे, तो आज हमें पता चला इधर रिसोर्ट है। देखा जब आओ नई जगह तो नई चीज सुनने को मिलती है, और हम कहाँ जा रहे थे, जंगल सफारी। कोई बात नहीं, जंगल सफारी कर आए थे हम उस टाइम। यहाँ पे वैसे जानवर कमी हो गए, इतने मजे से घूम रहे हैं। साला शीशा खोलने पे ना कान में वो जा रहे हैं बार बार। हाँ है? एक तो शहर ये सामने है। ये क्या है? घर है वो तो? अंकल, अंकल जी, ये सामने रिजोर्ट है ना? कौन सा रिजोर्ट में जाना है? नहीं देख रहे हैं अभी तो कौन सा लेना है। वो तो घर लग रहा है किसी का। कैसी हो? मतलब ये रिजोर्ट है, घर है? नहीं ये रिजोर्ट है, पास से समझ आ रहा हूँ, दूर से नहीं आता। हैं? अच्छा ओके, मुझे लगा यही है बिल्डिंग सी तो खड़ी है। भाई देखते हैं, वैसे भी हम कोई सीजन अच्छा बुरा पीछे, तो हम वैसे भी कोई सीजन में तो आए नहीं है, हैं? भाई के बंद पड़ा है या बन रहा है? अगर हमारा वाला हुआ ना, हाँ लिया था अंदर घुस के ही ना, वो है जो हमारा वाला था ना, हाँ स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल का तो करेंगे क्या अब हम? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैंने पहचान उसकी। अच्छा ये आगे वाला, हाँ ये डीएमयू। अच्छा तो भाई इस होटल का नाम है डियर व्यू। ओए डियर व्यू की तो माँ बहन एक हो गई।
तो यहाँ पे रिजॉर्ट था कहाँ? अच्छा ये तो रहा, बंद पड़ा यार, खुला हुआ है। अरे गाड़ी लॉक कर गई है। चलो भाई घुसपैठिया बन जाते हैं अब हम। हाँ बाइक तो खड़ी है। ओए अंदर है कोई, ये देखो कोई तो है। ये रही आंटी। हाँ सीन चल रहा है क्या? तो भाई ये देख लो एकदम भूतिया रिजॉर्ट जैसा सा है। अच्छा यार ये तो पहुंच के, अरे कोई तो बैठा है वो रहा। भाई बाहर से तो बंदी लग रहा था। बताना भैया नंबर। क्या नाम कहाँ है? फोन बता ना, हम आपके यहाँ खड़े होंगे। ये तो दिल्ली का ही नंबर लग रहा है। देखिए यार चाक में कुछ है क्या मेरी? भाई मेरी भी है, लग रहा है ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ये लो पाजी बात करना। भैया होटल डियर व्यू से बात कर रहे हैं? मास्क हटा लो पाजी। डियर व्यू से बात कर रहे हैं आप? भैया रूम देखना था आपके होटल में, खड़े हैं ये लड़का आपका बैठा हुआ है। ठीक है भैया, अभी क्या प्राइस है, कुछ प्राइस बता देंगे? प्राइस क्या आपके रूम का? आप आ जाओ भैया, आप आ जाओ बाजी। आप मास्क हटा लो, मास्क की वजह से नहीं आ रही आवाज। भैया आप बात कर लो ना, रूम तो दिखवा दो। हेलो मैंने कहा रूम दिखा देता हूँ उनको। तो पाजी आप तो पहले रुके हो, आपको तो पता ही होगा। तो अभी कोई कोई भी नहीं रह रहा भैया यहाँ पे? अभी तो थोड़ा, अभी तो आजकल आजकल में कोई नहीं है। नहीं मतलब अभी सारे रूम खाली है। अभी फाइनली भैया से बात हुई है, देखो अभी वो आ रहे हैं। पाजी वैसे एक बार ही रूम देखेंगे, क्लीन व्लीन हुआ तो ही लेंगे। हाँ ज्यादा रिसोर्ट में मिलते हैं, मेरे वाले में भी हो गए थे। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे वाला भी। ओ भाई रूम देखते हैं, कौन सा वाला? सीजन में क्या रेट होता है भैया आप लोगों का रूम का? अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं। इतनी मोटी मोटी मकड़ियाँ। अच्छा जी छिपकली विपकलियाँ भी आ जाएंगी फिर तो। पीछे क्या है? पीछे जंगल है, जंगल तो गांव है पूरा पीछे। अच्छा ये तो पत्ते वो गिरे होते हैं, साग के गिरे। ओ अच्छा अच्छा। तो भैया रात को यहाँ से कितने बजे तक, जैसे हम बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं? रात को रामनगर? हाँ रामनगर जाने को 9-10 बजे तक है, पर देर में जाना भी बेकार ही है। हाँ क्योंकि कई बार क्या है टाइगर टूगर पे भी है, इसी क्या रात को 10 बजे के बाद। अच्छा मिल जाता है यहाँ टाइगर वगैरह? हाँ इधर इसी एरिया में घूमता हूँ। है टाइगर ये एरिया है उसका घूमने का, इधर इसी एरिया में मिलता हूँ। क्या बात कर रहे हो, गर्म पानी गीजर वगैरह सब है? गर्म पानी की चोट रहती है यहाँ पे। हैं? भाई मैं तो नहीं सकता फिर। पता है क्यों? लाइट वाइट का पंगा रहता है ना अंदर।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर मैं नहाऊंगा कैसे? कैसे करें यार, कवर अप भी नहीं कर पाएंगे फिर तो हम। हाँ बैग ला दो यार। हैं? बैग ला दो थोड़ी देर। मतलब मैं बैग लाना पड़ेगा थोड़ी देर। अरे वो तो मैं कर लूंगा, कैसे करें? करते हैं अंकल से एक बार पूछते हैं, रूम का 500 ऐड करें या रूम का अलग है? अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये है वो रिजॉर्ट, और यार बनावा तो देखो बहुत, बिल्कुल एकदम जंगल के बीच में है, नो डाउट बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है ये। पता नहीं पिछली बार जब मैं आया था, दो बार आया हूँ, मुझे ही नहीं मिली ये लोकेशन, वरना तो अल्टीमेट थी ये जगह। उल्लू कट गया हमारा दो बार, तो हम आए ही नहीं पाए यहाँ पे, हमें पता ही नहीं था। आज पाज ही लेकर आए, देखो क्या जबरदस्त है एकदम, देख रहे हो? ये देखो झूले वगैरह हैं, स्विमिंग पूल है, उधर खेत है, मगर यहाँ पे कोई घुस भी सकता है यार बहुत इजीली। बट भैया बता रहे पीछे गांव वगैरह है, तो लोकेशन तो भाई अल्टीमेट है। इस होटल का नाम है डियर व्यू, देखो इसका स्विमिंग पूल दिखाता हूँ आपको, गहरा तो बहुत है यार ये। तुमने कितने का लिया था? कहाँ पे? वहाँ पे भाई देख लो। अंकल आपके इस होटल का नाम क्या है? डियर व्यू। तो भाई ये डियर व्यू है रिजॉर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। तो अभी क्या है ना, सीज़न नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा इतना वो नहीं है यहाँ पे भीड़, बट हाँ बातचीत है यार। एक प्योर जंगल वाली जो फीलिंग होती है ना भाई, रज के आती है, रज के जिसे कहते हैं। तो निकल रहे हैं भाई अभी यहाँ से, और हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे था मेरा वाला होटल, जहाँ मतलब दो बार से मैंने लिए थे, तीन बार लिए ना, एक बार सेंट्रो से आया था, एक बार एक भैया के साथ आया था, और एक बार और आया था। 80,000 रुपये का वो भी फ्री है। हाँ अरे तो वीडियो तो हम बना ही रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं। तो भाई फाइनली जो डियर व्यू था वो थोड़ा सा भाई अपने को कम समझ में आ रहा था, क्योंकि भाई रात को ना देख रहे हो इस रोड पे बिल्कुल भी सही बात है आने का कोई फायदा नहीं है। और मेरा मन है कि मैं आप लोगों को ना जंगल सफारी पे लेकर चलूँ, तो फटाफट से चल रहे हैं कोई भी होटल या रिजॉर्ट अपना बुक करते हैं जो भी हमारे को लेना है, बट भाई बिल्कुल बजट वाला लेंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल वगैरह और ये सब चीज़ें हमें करनी नहीं है। मगर बाजी मैं एक बात बताऊँ, रामनगर में कुछ घूमने के लिए तो है नहीं, तो होटल जहाँ पे मैंने लिया था सीधा वहीं लेते हैं। कहाँ पे यार, मेरे को तो ठीक लग रहा था, रेट देख लेते हैं अगर बजट में आ गए तो ठीक है, क्योंकि इसने भी सही रेट दिए हमारे को एक तरह से, तो वहाँ पे देख लेते, क्या पता वहाँ पे हमारे को अच्छी डील मिल जाए, और वो भी जंगल में ही एक तरह से। हाँ सामने जंगल। हाँ हाँ ज़्यादा नहीं है, पास में ही होगा, मतलब जितना अपना हिमालय होगा ना उतने पे से ही रिजॉर्ट चालू हो जाएंगे, फिर हम ले किसी में भी सकते हैं, उसी पे ट्राई करेंगे पहले जिससे मैंने लिया था। कह दूंगा भैया दोबारा आया हूँ, तो एक अजीब नहीं तो दोनों पे ट्राई कर लेंगे, जहाँ मैं पहली बार गया था वहां भी कर लेंगे, फिर हमें यहीं आना है, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ नहीं जाना, हमें तो उधर जाना है, होटल तो उधर है, यहाँ पे आएंगे फिर दोबारा। तो अच्छा ऊपर तो पूरा जंगल ही जंगल है बाजी, असली घूमने का जंगल कर को वो दिखाओ, वो मेन एंट्री है ना जंगल की, हाँ सबसे बड़ा गेट। हाँ चलो छोटा गेट। अच्छा मतलब वहाँ पे तो ये भी हम रात को भी आ सकते हैं, उनके होटलों में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यहाँ थोड़ा भाई ज्यादा मेरे को एडवेंचर, हाँ देख लो जंगल में से मेरे वाले ले लो,
नहीं मैं, अच्छा मैंने भी बैग में रखे हुए हैं क्या बैंड? क्या मेरे को लगा जेब में मेरे तो। भाई सोचो मैं यहाँ से रात को 11 बजे आया था जब पहली बार गलती से घुस गया था। हाँ लेकिन हम इतनी बार आ चुके हैं ना। हाँ रात को यहाँ 2-2 बजे तक। नहीं पाजी गाड़ी की एक बात बहुत अलग हो जाती है। गाड़ी में तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, साला कहीं टायर पंचर हो गया तो गाड़ी लॉक कर ही सो गए यार, इसके अंदर तो लॉक ही नहीं हो पाएंगे। देख लो भाई ये बस मजा पाजी की वजह से ही ले पा रहे हो, क्योंकि भाई अगर मैं बाइक चला रहा होता तो मैं नहीं दिखा पाता। भाई यहीं से राइट लेना है, इधर है वो रिजॉर्ट। हाँ इधर ही है। और खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है, तब आके पड़ेंगे रेस्टोरेंट। बच्चा है जी। अगर वहां पे रूम डन हो गए ना, यहाँ पे खाने आएंगे पीछे। वो एक लड़की का वो बस में बना रखा अच्छा सा लग रहा था, नहीं तो उधर भी वैसे बहुत ऑप्शन है। मैं फाइनली जो है रिजॉर्ट चालू होने वाले हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं एक के बाद एक लाइन लगा के ही है यहाँ पे भाई जबरदस्त। और एक बात बता दूं भाई, ये बिल्कुल जंगल के बीच में है, मतलब बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब यहाँ से जो है जंगल है, एक तरफ रिजॉर्ट है आपके, तो ये फर्क है यार यहाँ पे। तो इसलिए भाई मैंने ये ब्लॉग ना अलग शूट करा था बिल्कुल आप लोगों के लिए कि मैं आपको दिखा सकूँ। प्लानिंग हमारी थोड़ी हो रही है, चेंज हो सकता है हम यहाँ पे ना रुके आज, मगर बाजी मैं यहाँ रुका था पिछली बार। ये रहा ये अंदर जाके, हाँ और यहाँ खाना खाया था है। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ रुका था, एक तो वो हो गया और उसके बाद अभी आपको आगे भी है वो भी दिखाता हूँ और कहाँ रुका था है। घूमने चलते हैं, उसका रीज़न मैं बताऊँ क्या है, अगर बाई चांस हमें यहाँ पे नहीं रुकना तो फिर फालतू में क्यों पूछेंगे है। पहन लो बाजी, उतरूं? लो तो देखो भाई ये रहा यहाँ पे पूरा जंगल का व्यू है। तो भाई है यार मैंने एक समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने ग्लव्स कहाँ रखे थे? मेरे को लग रहा है मैंने गेट दिए हैं, मुझे लग रहा है मेरे गिर गए। ये गिरे कैसे होंगे यार, गिरेंगे तो नहीं यार, रख दिए फोन है ना मेरा। हाँ हाँ पता लगा डील में ही कर रहा हूँ यार, मेरे ख्याल बैग में ही है मेरे तो। जब हम वहां पे रुके थे ना लास्ट टाइम, मैंने शायद वहां पे डाल दिए थे बैग में, साइड में नहीं देखना वैसे,
मैंने अंदर डाले होंगे, साइड में तो रिस्क नहीं लूंगा। हैं खाली पड़ा, अंदर देखो एक बारी है? बैग के अंदर देख ले, डिग्गी पे रख ले। अरे माँ क्या कपनी पे रखते हैं। चलो अरे हाँ इसके अंदर डाले थे यार, इसके अंदर। अच्छा आगे शायद नहीं है, इसमें भी नहीं है। सॉरी मैं देख के ना कुछ फीलिंग आई, वेयर आई कैन रीच इजीली। अंधेरे के टाइम क्या हो गया है यार, मैं सही में गेट दिए क्या? तूने वहां पहने थे जहां हमने कोल्ड ड्रिंक पी है? मैंने वहां पे उतार के रखे थे शायद। अंदर देखो बैग के, आपने भी तो अंदर से निकाले हैं। ये हो सकता है तूने निकाल के वहां पे हेलमेट रखा हो और हेलमेट उठा लिया, ब्लैक नोट। ये तो बिल्कुल हो सकता है। छोड़ो कोई फायदा नहीं है सामान खराब करके, जहाँ रुकेंगे फिर वहाँ देखेंगे। बस अब दिक्कत ये होगी चलानी आप ही को पड़ेगी। अगर आपको भी चलानी पड़ी ग्लव्स पहन लेना। अच्छा फिर ठीक है। और ठंड लग रही है ना? हाँ लो भाई अपने ग्लव्स गिर गए हैं, एक नया नुकसान। चलो कोई नहीं, छोटा था झेल सकते। 75 रुपीस के ग्लव्स। हाँ साले ने बद्दुआ दी होगी ना, पैसे कम करा आ गए 25 रुपए भूतनी का। चलो भाई हैं है? चले तो चलो भाई फाइनली अब आपको ले जा रहे हैं। ये देखो भाई पिछली बार हम यहाँ पे आए थे, याद है दिखाया नहीं था पर मैं आया था, कोई बात नहीं। और ये देखो भाई पूरा व्यू ले लो, मतलब यही मेन जंगल है। और यहाँ पे भाई दुनिया भर के अपने रिसोर्ट्स हैं दबा के, और उस हिसाब से इनके दबा के रेट भी है भाई, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो भाई अभी हो सकता है हम आपको कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर दिखाने के लिए निकल जाएं, हमारा मूड कुछ चेंज हो रहा है, हम रात को ना सोने का प्लान कर रहे हैं। और अगर हम सोएंगे नहीं तो आपको तो पता है खुरापती दिमाग है, मेरे साथ पाजी है, पाजी के साथ मैं हूँ, हमारे साथ ये आर 15 है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार। वी कैन बाय दिस नैनीताल ड्यूड, जस्ट 7 करोड़, व्हाट डू यू थिंक? ओनली 70 करोड़ वी हैव टू पे। Do we have our checkbook? Call our assistant and ask her to get our checkbook. We will buy Nainital. But we will give the check of Dena Bena Bank. Headlight? भाई ये road के चक्कर में ही हो रही है, ये तो confirm है road के चक्कर में ही हो रही है ये, क्योंकि मैं इसे जब अपने उधर चलाता हूँ ना तब नहीं होती है। आज ही टाइम तो देख बताता हूँ, यहाँ पे मैं रुका था शायद, अभी दिखाता हूँ। पाजी 5:10 हो रहे हैं, निमटने वाला है बस मामला, फिर हम मॉल रोड घूमेंगे। हाँ देखते हैं बाकी हैं, जैसे जैसे कहो यार है? नैनीताल पहुंचने में नहीं, अगर 1.5 घंटे में भी पहुंच जाते माड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, तो भाई देख लो, ये सिर्फ मैं आपको ना रिसॉर्ट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
कि यहाँ पे रिजॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है, है? क्या है? अरे बहुत बढ़िया है भाई, ये देख रहे हो भाई, एक से एक है यहाँ पे कंटास, एकदम जबर। और वो देखो जंगल में शेर, शेर शेर, बाघों में मोर, मोर। वो एक जीप खड़ी मेरी थाने में, मैं बदले में मैं तो। देखो भाई माइलस्टोन करके यहाँ पे एक ये है रिजॉर्ट। तो देखो नाम वाम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉल वॉल करके पूछे को रूम्स अवेलेबल लिखा है ना सर, तो आपको अगर फ़ोन करके पूछना हो आप पूछ सकते हो। ये देखो अमरूम अरोमा हेवन, ये देखो रिजॉर्ट, यहाँ पे कैफेज वगैरह तो भाई है। ये देखो कृष्णा कॉर्बेट, ये देखो ये घर वर भी है भाई, यहाँ पे किसी का घर होगा, ये अच्छा लग रहा है घर। तो भाई फाइनली आने वाला है सुमन रिसोर्ट जहाँ मैं पहली बार रुका था, निकोड़िया राइड राइड बाय रेड बस कैब रेंटल। देखो भाई क्लब महिंद्रा कॉर्बेट बहुत है भाई यहाँ पे, ना ना टी भी आएगा अभी आगे जिनका बजट बहुत ज़्यादा है। ये देखो वो कैस्टल करके है, रेस्टोरेंट आ गया कैफे है, ये देखो कॉर्बेट कॉल करके, देखो यहाँ पे भी है। देखो मैं अभी आपको सुमन रिजॉर्ट्स भी दिखाता हूँ, सुमन रिजॉर्ट भी आ गया। ये देखो भाई था कामया मोइक मॉनसून ऐसे करके भी नाम है। ओ भाई यहाँ पे तो रोड बन रहा है, पिछली बार मैं आया था भाई यहाँ पे तो माँ मैंने को रख के थी, चलो फिलहाल इन्होंने आधा रोड बना दिया है। ये क्या लिख रखा, बीब, हाँ बेब, बेब, हाँ बेबी ऑन बोर्ड, हाँ 80-55 बॉस, दो पैसे का बॉस। गाड़ी अच्छी लग रही है, लापरवाही का नतीजा। ये देखो पाजी ये है वो सुमन ग्रैंड, इसमें रुका था मैं पहली बार, यहाँ पे आई थी वो रात को चिंगाड़ने के बाद। यहाँ पे भी मैं अंदर गया हूँ, तो भाई वहां पे जी वो नदी करके है, और ये देखो फुल ऑन जंगल है, फुल ऑन। देखो शिकारी कुत्ता, लोबड़ा ना लोबड़ा की तेरी बहन की, ऐसे देखो जंगल में धीरे धीरे रात होने लगती है ना, तो जानवर अपने बिल से बाहर आने लगता है, और जंगल से कभी पंगा नहीं ले लेगा। हाँ
इस वक्त हम इनके घर के अंदर हैं और ये हमारा शिकार कर सकते हैं। ये देखो जीप खड़ी है। अबे इतना टिपर मार के कहाँ घुसेगा। तो भाई देखो ये वाला मंदिर बेबी मैं पहले आ चुका हूँ। है काल मूवी का मंदिर। काल मूवी में कौन सा मंदिर आया था। हाँ अच्छा हकीकत में वही है। अच्छा बताया है। हाँ बंदे के बारे में ना। हाँ उसका सुना हुआ है। हाँ शिकारी था वो। सुना है सुना है ये सुना है। यार हमें शीशे तो बंद करने पड़ेंगे मच्छर आ रहे हैं। यार ये तो बड़ा कैड़ा व्यू आ गया। बार बार क्या कर लेता है। शादिया थोड़ा धीरे लग रहा है यार पीछे है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा 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 मैथमेटिकल वगैरह सब अच्छा ये लिखा हुआ। मोहन अच्छा चलो भाई वो नहीं यार मैं तो बस ऊपर चढ़ कर चला गया। ट्राइपॉड भी बुक कर रखा है वो भी आ जाएगा साला। अभी होता ना तो मजा आता।
तो चलो भाई फाइनली अब आपको ले जा रहे हैं। ये देखो भाई पिछली बार हम यहाँ पे आए थे, याद है, दिखाया नहीं था पर मैं आया था, कोई बात नहीं। और ये देखो भाई पूरा व्यू ले लो, मतलब यही मेन जंगल है और यहाँ पे भाई दुनिया भर के अपने रिजॉर्ट्स हैं दबा के, और उस हिसाब से इनके दबा के रेट भी है भाई, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो भाई अभी हो सकता है हम आपको कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर दिखाने के लिए निकल जाएं, हमारा मूड कुछ चेंज हो रहा है, हम रात को ना सोने का प्लान कर रहे हैं, और अगर हम सोएंगे नहीं तो आपको तो पता है खुराफत ही दिमाग है। मेरे साथ पाजी है, पाजी के साथ मैं हूँ, हमारे साथ ये आसन फाइव है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार। वी कैन बाय दिस नैनीताल जस्ट 7 crore, व्हाट डू यू थिंक, ओनली 70 crore वी हैव टू पे। Do we have our checkbook? Call our assistant and ask her to get our checkbook. We will buy Nainital. But we will give the check of Dena Bena Bank. Hey? Headlight? भाई ये रोड के चक्कर में ही हो रही है, ये तो कन्फर्म है रोड के चक्कर में ही हो रही है ये, क्योंकि मैं इसे जब अपने उधर चलाता हूँ ना तब नहीं होती है। बाजी टाइम तो देख बताता हूँ, यहाँ पे मैं रुका था शायद, अभी दिखाता हूँ बाजी, 5:10 हो रहे हैं, निमटने वाला है बस मामला, फिर हम मॉल रोड घूमेंगे। हाँ देखते हैं बाकी हैं, जैसे जैसे कहो यार, है नैनीताल पहुंचने में नहीं, अगर 1.5 घंटे में भी पहुंच जाते माड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, तो भाई देख लो, ये सिर्फ मैं आपको ना रिजॉर्ट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे रिजॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है। हैं क्या है, अरे बहुत बढ़िया है भाई, ये देख रहे हो भाई एक से एक है यहाँ पे, कंटास एकदम जबर। और वो देखो जंगल में शेर शेर शेर, बाघों में मोर मोर, वो एक जीप खड़ी मेरी थाने में, मैं बदले में मैं तो। देखो भाई माइलस्टोन करके यहाँ पे एक ये है रिजॉर्ट, तो देखो नाम वाम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉल वॉल करके पूछे को रूम्स अवेलेबल लिखा है ना सर, तो आपको अगर फ़ोन करके पूछना हो आप पूछ सकते हो। ये देखो अरोमा हेवन, ये देखो रिजॉर्ट, यहाँ पे कैफेज वगैरह तो भाई है। ये देखो कृष्णा कॉर्बेट, ये देखो ये घर वर भी है भाई, यहाँ पे किसी का घर होगा, ये अच्छा लग रहा है घर। तो भाई फाइनली आने वाला है सुमन रिसोर्ट, जहाँ मैं पहली बार रुका था, निकोड़िया राइड राइड बाय रेड बस कैब रेंटल है। देखो भाई क्लब महिंद्रा कॉर्बेट, देखो बहुत है भाई यहाँ पे ना, टी भी आएगा अभी आगे, जिनका बजट बहुत ज़्यादा है। ये देखो रोड कैंसिल करके है, रेस्टोरेंट आ गया कैसे है, ये देखो कॉर्बेट कॉल करके, देखो यहाँ पे भी है। देखो मैं अभी आपको सुमन रिजॉर्ट्स भी दिखाता हूँ, सुमन रिजॉर्ट भी आ गया। ये देखो भाई था कामया मोइक मॉनसून ऐसे करके भी नाम है। ओ भाई यहाँ पे तो रोड बन रहा है, पिछली बार मैं आया था भाई यहाँ पे तो मावे ने को रखे थी, चलो फिलहाल इन्होंने आधा रोड बना दिया है। ये क्या लिख रखा, बीब, हाँ बेब बेब, हाँ बेबी ऑन बोर्ड, हाँ 80-55 बॉस, 2 पैसे का बॉस।
गाड़ी अच्छी लग रही है। जंगल में शेर भाई वहां छोड़े हैं। सही कह रहे हो, जब मैंने सामान उठाया था खेत तो थी वहां पे, पता नहीं कहां रख दिए होंगे। चलो कोई भाई, देखो लापरवाही का नतीजा। ये देखो बाजी, ये है वो सुमन ग्रैंड, इसमें रुका था मैं पहली बार। यहाँ पे आई थी वो रात को चिंगाड़ने के बाद। भाई देखो ये हो गया यार, फिर से आ रहे हो। उन्हीं ने कहते हैं यार मेमोरीज ब्रिंग बैक है ना, कोई तो भूतनी का। यहाँ पे भी मैं अंदर गया हूँ, वहां पे थी वो नदी करके है। और ये देखो फुल ऑन जंगल है, फुल ऑन। वो देखो शिकारी कुत्ता, लोबड़ा था, लोबड़े की तेरी बहन की। जैसे देखो जंगल में धीरे धीरे रात होने लगती है ना, तो जानवर अपने बिल से बाहर आने लगता है और जंगल से कभी पंगा नहीं ले लेगा। इस वक्त हम इनके घर के अंदर हैं और ये हमारा शिकार कर सकते हैं। ये देखो चीज खड़ी है, अबे इतना टिपर मार के कहाँ घुसेगा। तो भाई देखो ये वाला मंदिर पे भी मैं पहले आ चुका हूँ। है काल मूवी का मंदिर, काल मूवी में कौन सा मंदिर आया था? हाँ अच्छा, हकीकत में वही है। अच्छा बताया बंदे के बारे में ना। हाँ उसका सुना हुआ है, हाँ शिकारी था वो। सुना है। यार हमें शीशे तो बंद करने पड़ेंगे, मच्छर आ रहे हैं। यार ये तो बड़ा कैड़ा व्यू आ गया। बार बार क्या कर लेता है अगर वो छुट्टी लेके घुमाने लग जाता है। शादिया थोड़ा धीरे लग रहा है यार पीछे है। अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ मोहन। अच्छा चलो भाई वो ट्राइपॉड भी बुक कर रखा है वो भी आ जाएगा साला अभी होता ना तो मजा आता। आधी टंकी पेट्रोल हो गया आधी टंकी पेट्रोल तो टंगा लेंगे क्या दिक्कत है। सामने का भाई गीले मत होना और पैर तो नीचे बिल्कुल मत रखना भाई रात को तो फट जाएगी यहां से आते हुए। ओ भाई साहब अल्टीमेट है ब्रो मैं तो कह रहा हूं मैं यहां पे रुकता हूं। रुको 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 मैं उतरता हूं। अबे जूता गीला ओ भैया आराम से हाँ कोई नहीं जूते तो खा लेंगे ड्रायर हाँ। ज्यादा भीग गया यार है नहीं मोजा भी भीग गया यार सुन हो जाएगा पैर दिखा ना पाजी आपका Thank you.
अच्छा क्या तो हीरा यहाँ से यार ये रास्ता है, गाड़ी कैसे गई थी यार? हैं? जीत की i20 चली गई थी मैं तो बड़ा जिगरा जीत में क्वांटो तो ऊंची है भाई साहब मैं कहाँ था यार बड़ा जीत में तो बड़ा जिगरा आ गया था यहाँ उतार ली अच्छा ये है नहीं वो रास्ता कैसा है वो वहीं तक जाना है बजरी वाला रास्ता है बंद है वैसे ही रास्ता पास कर दिया पहले पता है कहाँ था हाँ। सामने नदी दिख रही है पेड़ दिख वो ये छोटे छोटे काले काले पॉइंट दिख रहे हैं हाँ हाँ हा। नदी पार करके पूरी तरफ ये नदी पहले आ गई थी नदी पास कर दी इन्होंने अच्छा हाँ तो वहाँ पे लोग जाते कैसे है वो देखो वो भी जा रहे हैं उतनी डीप थोड़ी ना ये तो वो कहाँ से एंट्री कर रहे हैं वो घर के पास से कर रहे होंगे जहाँ पे राइट हैंड पे घर है ना वहाँ से भी रास्ता होगा पैदल का यार मेरे को तो लग रहा है इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया ये तो हो सकता है पहले पत्थर देते ही तुम्हें है ना क्योंकि अगर नीचे उतर गई ना चढ़ नहीं पाएगी क्या कहते हो ट्राई करें क्योंकि वहां पे तो यार मिट्टी गहरी है वहां पे तो नीचे मिट्टी गहरी है उसमें तो फिर चले सामने तक हेलमेट यहीं रख जाते हैं वही तो भाई देखो हमने यहाँ आने में हो गए हैं बहुत ज्यादा लेट बट एक बात ना चेकआउट कर लो भाई मतलब अल्टीमेट था यार ये सीन वो देखो वहां पे ना लोग सामने क्रॉस भी कर रहे हैं आपको दिख रहे होंगे बट यार ये देखो ये रहा एक बंदा ये देखो हम वहां पे जाते यार बट वो ना रास्ता बंद हो गया और फिर हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो हम इतना दूर आए ना आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ तक आए हैं और चेकआउट कर लो भाई ये रहा देखो पानी बह रहा तो भाई देखो फ्लैश मैंने फ़ोन का जलाया है थोड़ा सा ही आपको जस्टिस होगा ये देखो भाई और भाई अपना ना जूता भी भीग गया है यार ग्लव्स भी खो गए पता नहीं कहाँ भूल गए हम तो भाई अल्टीमेट थी यार ये जगह ना बस क्या बताऊँ हम ना लेट हो गए बताऊँगा रीज़न उसका भी आपको लेट क्यों हो गए और भाई वहाँ खड़ी है देखो अपनी R15 ऊपर मैं यहाँ से भाई बाइक उतार के ले आता पर यार अभी वहाँ पे पत्थर बिछा रखे हैं तो इम्पॉसिबल है तो पाजी जब आप जीत के i20 लेकर आए थे तो वो कहाँ उतारी थी i20 कहाँ उतारी थी क्वांटो कहाँ उतारी थी हाँ यहीं से इतनी खड़ी चढ़ाई से नीचे उतार दी थी और i20 चढ़ गई थी ऊपर अच्छा ढलान थी हाँ इतनी ही ढलान थी लेकिन रोड प्लेन था ये जो बजरी है ना हाँ ये मशीन से टूटी हुई बजरी है ये अच्छा पहले ये बजरी थी मोटी जो ओरिजिनल होती है इतने इतने बड़े पत्थर थे और रास्ता बना हुआ था अच्छा तो ये लोग नदी पार करके वहाँ कहाँ जा रहे हैं सामने घर है ना लोगों के इसमें हाँ सामने हुआ ना ओ भाई साहब वो रहे ऊपर घर वो देखो भाई ये लोग उधर ट्रैक्टर भी ले आते थे अच्छा जी नहीं यार यार देखो ये पाजी रहे ठीक है मैं भी दिखाता हूँ भाई अपने आप को देखो भाई मैं ये रहा और भाई यहाँ पे बहुत ही घमासान वाला सीन हो रखा है मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई देखो हम इतना ट्रैवल करके आए ना थोड़ा सा अगर हम जल्दी आ जाते तो ये व्यू तो बहुत गजब था बहुत ही ज़्यादा गजब था और अभी भी देख लो पूरे रास्ते आपको दिखाते हुए लेकर आए और देखो भाई अपने ग्लव्स जो है ना वो खो गए हैं बड़ी मुश्किल से लिए थे ये सोच के कि रात को ठंड नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बीमार नहीं होना था भाई बिल्कुल भी और भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीन है यार एकदम और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ देखो मैं आपको ना उंगली से बताता हूँ ये पूरा इधर से पूरा पानी है ये पूरा पानी है फिर सामने की तरफ वहाँ पे ऐसे ही है पत्थर सा कुछ ऊपर सा बना हुआ है वो और देखो भाई जूते गीले समझ गए होंगे आप जूते गीले हो गए
तो पाजी आपका पैर भी गया था पानी में, आपका भी पैर गया था पानी में अभी? अच्छा पैर तो गया था लेकिन भीगे नहीं। अच्छा गया था ना, वही बूट्स के चक्कर में नहीं भीगे ना। तो भाई चलो कोई बात नहीं यार, भीग गए के क्या कर सकता है। देखो भाई अब यहाँ से रात को कुछ भी नहीं है भाई दिखाने वाला, वरना ना फोटोज लेते और कसम से बता रहा हूँ गजब की फोटोज आती यार। ये देखो जगह ही ऐसी है, देखो पानी का आपको आवाज आ रहा होगा। और भाई धीरे धीरे रात होती जा रही है, ये जंगल है भाई। और अब हमारे को ना भाई देखो मैं बाप से एक बात और शेयर करता हूँ कि ना बात मैं आपसे कर नहीं पा रहा, उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई यहाँ पे ना मच्छर बहुत है, बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो उस वजह से अगर मैं अपना हेलमेट खोल के चला रहा हूँ ना तो आँख में जा रहे हैं भाई कभी, और हेलमेट ये ऐसा है इसको ना पूरा उतारना पड़ता है, तो भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। इसलिए मैं ना आप लोगों से अभी बात नहीं कर पाऊँगा, बट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि भाई R15 से फिर पता नहीं प्लान्स कब बने, कैसे बनेंगे, या बनेंगे भी तो कोई बात नहीं। देखो भाई ये फ़ोन की ना ब्राइटनेस मैंने बढ़ाई है, तो भाई कुछ ऐसा करके ही है यहाँ पे बस, और तो कुछ नहीं है पाजी। यहाँ है उधर से आगे की तरफ घूमने राइट लिया ना लेफ्ट जाना जंगल में वहाँ पे मत, अंधेरे में क्या देखेंगे हैं, अंधेरे में कहाँ गाड़ी के आगे देखेंगे, ऐसे नहीं लोग नहीं सही कह रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है? नहीं वो तो ठीक है, वो कहाँ जा रहा है यार, अगले वो रोक रहे हैं। थैंक यू भैया। हाँ यार वो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, आ जाओ अंकल। अच्छा ये ड्यूटी वो था पुलिस वाला ही था ये यार, यहीं से हम गाड़ी वापस घुमा के लेके गए थे वीरेंद्र भैया की पूरी। काम मर गए सारे। तो भाई देख लो जब हम सेंट्रो से आए थे अपन, हम इधर ही रुके थे। तो भाई देखते हैं आज हमारे को रूम मिलता है नहीं मिलता। नहीं नहीं रूम कितने टाइम हो गया? अच्छा फिर तो चेंज हो गया। पिछली बार तो हमने 1500 रुपए का लिया था आपका फ्रंट से सबसे ऊपर वाला तो लगा है? चलो कोई नहीं भाई, नहीं मैं भाई हम तो आए थे, हमने तो उस टाइम पे भी वीडियो बनाई थी, तभी तो मैंने आपसे पूछा ना कि कितना टाइम हो गया आपको वो करे हुए, तभी मैंने पूछा। कोई नहीं यार मैंने जिम कॉर्बेट में ना ये चीज़ नॉर्मली देख ली है, सुमन वालों ने भी पहली बार में अच्छे से बर्ताव करा, बाद में वो भी दग गए, फिर उसके बाद वो आगे वालों ने भी ऐसा ही करा, आज यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया अपने साथ। ये तीसरी बार है, क्या हुआ किसका? तो लो भाई
देखो यही सीन होता है यार, पता है जब भी कभी आप आओ हर जगह अपनी फेस वैल्यू बनाओ। फेस वैल्यू क्या मतलब, अब आप लोग अपनी बातचीत बनाते हो भाई, रिजॉर्ट देते हो, वो बंदे ने सिंपल सा कह दिया यार ये तो ना चेंज हो गया। देखो वो वाला था मेरा रूम पहले, यहाँ रुका था मैं, चलो आगे देखते हैं। तो लो भाई फाइनली होटल आ गए हैं, यहाँ पे खाएं। अभी रूम देखते हैं, पहले रूम देखने के बाद आपको दिखाते हैं। पाजी तो खैर यहाँ रुके हुए हैं पहले भी, तो कह रहे हैं रूम तो बढ़िया ही होगा यार। हमें तो विंडो साइड वाला चाहिए था हैं यार, एक वीडियो बनानी थी पाजी, वो तो रह जाएगी। तो चलो भाई फाइनली अब यही वाला रूम, अभी बात करते हैं। और ये देखो भाई इस कंडीशन में हमने ट्रैवल करा है, ग्लव्स खो गए थे, तो चलो कोई बात नहीं अब चलते हैं। तो भाई ये चार्जर लगा हुआ है, दिस इज़ नॉट अ माइक और लाइक, बट दिस इज़ माय चार्जर, जिसकी बदौलत हमने मतलब पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया है। अभी भी करेंगे, कल भी करेंगे, शेयर ढूँढेंगे, देखते हैं। कितने बजे तक दे दोगे? 10-11 बजे तक। बालकनी वाला होता ना, हम सोचते भी नहीं हजार के लिए। कल कल यहाँ पर ऊपर भी नहीं, ऊपर भी नहीं लगा, कल ही लगता है ना, कल मिल जाए, कल हैशटैग कल कल मिल जाएगा। 800-800 में तो और भी मान जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। अरे मेन बात ये विंडो वाला देख लो यार, कोई वो टाइम लैप्स वाली एक वीडियो बनानी है ना यार, वो रह जाएगी बस। दिक्कत तो यहाँ की भी लेने की नहीं है, पर पाजी बात ना, एक वो वीडियो जो बनानी है ना, वो बहुत मन से आया था यार मैं वीडियो बनाने के, और उसके लिए ना एक ऐसा विंडो वाला ही अपने को चाहिए होगा, कि मतलब विंडो साइड होती ना तो फ़ोन लगा के छोड़ देते, सुबह तक अपना अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है। कहाँ पे? विंडो साइड वाला दे दो, चलो इतना कर लो। अच्छा बैक साइड में भी नहीं आपके विंडो वाला कोई? बैक साइड में तो बिल्कुल गुमसुम है चारों तरफ से यार, विंडो वाला होता ना ये वाला, हम आपको कहते ही नहीं, पता नहीं क्या पता 1200 में भी हाँ कर देते। अरे मैं तो रेडी था, ट्राई करते हैं क्या। देख लो 900 हो जाएगा थोड़ी, कस्टमर की भी थोड़ी इज्जत रख लेनी चाहिए। दोस्त बहुत इज्जत रखी आपकी।
बैठो भाजी है तो वो भैया का नहीं बताना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ लोकेशन इनके यही है बस, और किसी की नहीं होगी। या बस मेरे को ना रूम वाले का मन है, देख लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो फिर बन जाएगी कभी। मगर यहाँ पे कोई लोकेशन ऐसी है भी तो नहीं ना कि हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, जंगल में तो कुछ होता भी, यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये भी हाँ बस वही हो सकता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं से कहीं ये बुरा मान जाए है? होटल तो इसके अच्छा। किसका होटल तो इसके अच्छा है? देखा हुआ आपने पहले? मेरे को नहीं, इसके साइड वाले में देखा हुआ पहले? सामने होटल है वो तो थोड़ा ना। कौन सा? नहीं यार फिर लोकेशन की बात है ना, अगर हमें देखना है यही सब है तो फिर वहाँ जाके भी क्या फायदा। वहाँ तो और बंद है। इनसे पूछ लो टीवी गर्म पानी गीजर वीजर है अंदर या कैसा है, सेंट्रलाइज है या कैसा है इनका? भैया आपके रूम्स में गीजर सेपरेट है या सेंट्रलाइज है? सेपरेट है। सेपरेट है बताओ। हाँ टीवी में कहाँ चल रहा है ना? और अभी कहीं हम अभी तो नहीं कहीं जा रहे ना, अभी तो कहीं नहीं जा रहे अब एकदम से तो नहीं है ना। अच्छा हाँ फिर तो मतलब 8-9 बजे तक तो आपको कोई ऐसा तो नहीं गेट बंद हो जाता है? अच्छा चलो ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके कमरे में आपके साथ ही रुक जाएंगे, आपका भी तो रूम हो। रात भर बैठ के वीडियो देखेंगे।